नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ डेली में आप सभी का स्वागत है। हाथरस सदाबाद मार्ग पर सेंट फ्रांसिस स्कूल के निकट शुक्रवार देर रात करीब 1:30 बजे के लगभग एक डिपर ने गंगाजल लेकर जा रहे 7 कांवड़ियों को कुचल दिया। इनमें से 6 की मौके पर ही मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। शनिवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद प्रशासन के मृतकों के शवों को उनके घर भिजवा दिया। वही परिजनों ने आगरा ग्वालियर मार्ग पर जाम लगाकर मुआवजे के लिए हंगामा किया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया है। बताया जाता है कि ये सभी गंगाजल लेकर हरिद्वार से ग्वालियर जा रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। गंभीर रूप से घायल 2 कांवड़ियों को उपचार के लिए आगरा भेजा गया है। घटना की जानकारी मिलते ही ADG आगरा जोन और IG अलीगढ़ मौके पर आ गए। बताया जाता है कि हादसे का शिकार सभी लोग बांगी खुर्द थाना उटीला जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश के निवासी हैं। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी न्यूज़ के लिए हिंदुस्तान न्यूज़ डेली को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।